ये महाराणा प्रताप भवन आज से 3 साल पहले इसका 2016 में सबसे पहली ग्रांट आई थी 8 लाख रुपए की हरियाणा सरकार की तरफ से, अमल्य साहब की तरफ से, और आज तक इस पर 30 लाख रुपए महाराणा प्रताप भवन पर जो आप जहां पर आप इंटरव्यू ले रहे हैं लग चुका है सरकार की तरफ से। हमारी राजपूतों की पहले पुरानी चौपाल होती थी, हजारों साल पुरानी, सरकार की तरफ से बनने वाली महाराणा प्रताप चौपाल ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनी है। राजपूत धर्मशाला में बहुत पैसा दिया जी और बढ़िया योगदान दिया जी सरदार जी ने। कितनी लागत आई इस चौपाल को बनाने में, कितना संघर्ष करना पड़ा आपको? 30 लाख रुपये तो सरकार की तरफ से आए और अपना बरादरी ने इकट्ठा करके लगाया जी, इसमें पैसे कम से कम भी इसमें 1 करोड़ रुपये करीब लगा चुके हैं। हमारे विधायक है जो सरदार बख्शी सिंह जी, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा यहाँ हमारी चौपाल निर्माण के लिए, और हमारी बरादरी ने भी पैसा इकट्ठा किया वो लगा के काफ़ी, मतलब इतना बड़ा सिस्टम है जो यहाँ पे खड़ा हुआ है, मतलब विधायक जी के बिना ये सिस्टम नहीं बने था। यह भवन महाराणा प्रताप भवन है जो मुणक में है, और इस भवन में सबसे ज़्यादा अगर किसी का सहयोग है तो वो यहाँ के वर्तमान MLA जो हैं सरदार बख्शी सिंह विर्क जी, उनका मेन अगर योगदान है तो उनका है। आज उनको यहाँ पर राजपूत समाज ने यहाँ पर बुलाया है उनका धन्यवाद करने के लिए, क्योंकि उनके करकमलों से ही इस भवन की ये बिल्डिंग बनकर के तैयार हुई है।